फर्रुखाबाद की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। महिला को बंधक बनाकर जेवरात लूटे और किया सामूहिक दुष्कर्म। पुलिस कप्तान ने खुद की जांच। मामला थाना कमालगंज के ग्राम मेहरूपुर राबी का। यहीं की निवासिनी राजवती पत्नी राजू ने कमालगंज के ग्राम जरारी निवासी भोला व उसके साथी के विरुद्ध लूट व सामूहिक दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज कराई। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। फर्रुखाबाद थाना कमालगंज के ग्राम मेहरूपुर राबी निवासी राजू की पत्नी राजपरी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट के अनुसार राजपरी बीते 24 मई को छिबरामऊ अपनी बहन के घर गई थी और शाम को लगभग 6 बजे घर जाने के लिए जरारी स्टैंड पर टेम्पो के इंतजार में खड़ी थी। उसी समय केला बेचने वाले ठिलिया दुकानदार ने बताया कि भोला मोटरसाइकिल से कमालगंज जा रहा है, वह तुम्हें गांव छोड़ देगा। महिला भोला की बाइक पर सवार हो गई और आगे चलकर अन्य लोग भी आ गए और महिला से चांदी की तोड़ियां, कानों के कुंडल व 5,000 रुपये नकद लूट लिए। महिला ने जब शोर मचाने का प्रयास किया तब दोनों ने महिला के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और जमीन पर पटक कर लात घूसों से पिटाई की। महिला ने रिपोर्ट में यह भी बताया कि दोनों ने हाथ पैर बांधकर दुष्कर्म किया और जान से मारने का प्रयास किया, परंतु राहगीरों के आ जाने से हमलावर महिला को रेल की पटरी पर छोड़कर फरार हो गए। महिला ने रिपोर्ट में यह भी बताया कि सामने आने पर भोला को पहचान लूंगी। आपको बता दें कि सूत्रों के अनुसार राजपरी 40 वर्षीय महिला है और शराब बनाकर बेचने में पकड़ी जा चुकी है, जबकि भोला एक मुस्लिम है जिसका जमीन को लेकर गांव वालों से विवाद चल। हो सकता है कि किसी ने महिला द्वारा भोला को फंसाने का प्रयास किया है। खैर, पुलिस महिला का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही है। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा ने मामले की जानकारी देते हुए यूपी 76 न्यूज को बताया। मामला दुष्कर्म का, इस मामले में पीड़िता के द्वारा तहरीर दी गई। तहरीर के आधार पर जिस धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया और उसमें आगे की जो विवेचनात्मक कार्रवाई वो की जा रही है। 161, 164 के बयान और मेडिकल रिपोर्ट करवाया जा रहा है। इसमें जो भी एविडेंसेज और जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जो बता रहे हैं 3 अज्ञात लोग भी थे साथ में, लूट वूट हुई, क्या क्या पूरा इसमें क्या है सर? जो अभी तक प्रथम दृष्टया बात की गई है, पीड़िता से बात की गई है और उनके जो बयान दिए गए हैं उसमें उन्होंने तहरीर में भी एक नामजद व्यक्ति का उल्लेख किया है और उसके संबंध में भी जो विवेचनात्मक कार्रवाई है उस पर हम काम कर रहे हैं। जो भी इसमें एविडेंसेज आएंगे उसके आधार पर। थैंक यू।